हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 मुख्य मार्ग के मधौल गांव के निकट ट्रक के टक्कर से एक बाइक सवार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति भी बुरी तरह जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान गोरौल थाना क्षेत्र के गोड़िया बहादुर गांव निवासी सत्यदेव प्रसाद के 30 वर्षीय पुत्र अभिनव कुमार के रूप में की गई है, जबकि आदमपुर गांव का निवासी रंजन पांडेय बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि मृतक अपने साथी रंजन पांडेय के साथ मुजफ्फरपुर किसी कार्य से जा रहा था कि पीछे से आ रही एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया। हालांकि ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि ट्रक ड्राइवर को फरार बताया गया है। मृतक के शव गांव में आते ही कोहराम मच गया और लोगों का तांता लग गया। शव देखकर सबके सब अचंभित रह गए। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस हृदय विदारक घटना सुन पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गोरौल वैशाली से जाहिद वारसी की रिपोर्ट। ये जानते हैं आप कौन है? आपके कौन है? भतीजा है। आपका भतीजा है। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ जा? हम तो मुजफ्फरपुर से रहते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर की जो जा रहा था। हाँ। दो आदमी से था, साइकिल से जाने दरमियान में चलाने वाला ट्रक वाला है, मार दिया। अच्छा, और लोग है वहाँ का लोग जो कहा दरोगा जी कहे कि से मेडिकल हम भेज दिए हैं। मेडिकल हम लोग गए हैं तो ट्रक देखे कि आदमी को मुआवजा मिल गया है? ना, को नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला, पोस्टमार्टम हो गया। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। तो अब ले जाके जो कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का वो कीजिएगा। तो सरकार से मांग नहीं होगा? क्या बोल रहे हैं? सरकार से भी तो कुछ उचित जो है, जो उचित मुआवजा है वो गार्जियन को, इसको एक्सीडेंटल जो सरकार का प्रावधान है वो मिल। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसके साथ में एक और भी आदमी था जी, तो वो कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल में है। वो अभी इलाज चल रहा है जी। तो पोस्टमार्टम हो गया है, अब आप जा रहे हैं क्रियाक्रम जो होगा वही करने, यही है ना? तो इस सुबह में एक्सीडेंट हुआ है जी। तो ये आप लोग अभी रोड पे जो भीड़ लगाए हुए, कारण क्या है रोड पर भीड़ लगाने का? आप मुआवजा चाहिए, मुआवजा के लिए हम लोग रोड पर भीड़ लगाए थे। अच्छा, शाम के कारण हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यह सरकारी जो